केआरके ने बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की जमकर खिल्ली उड़ाई है। केआरके ने अपने ट्वीट में सिद्धार्थ को धोबी का कुत्ता बताया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी होने जा रही है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और फैंस इस ग्रैंड वेडिंग पर नजर टिकाए बैठे हैं। एक तरफ जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोकप्रिय सेलिब्रिटीज इस शादी को लेकर एक्साइटेड हैं, वहीं मशहूर फिल्म क्रिटिक केआरके ने अपने हालिया ट्वीट से सभी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। केआरके ने अपने ट्वीट में आलिया भट्ट के कथित एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की धजियां उड़ाई है। केआरके सिद्धार्थ मल्होत्रा को धोबी का कुत्ता तक कह दिया है। कमाल आर खान ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में सिद्धार्थ मल्होत्रा पर निशाना साधा और आलिया भट्ट के साथ उनके संबंधों का मजाक उड़ाया। उन्होंने यहां तक दावा किया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आलिया भट्ट की वजह से केआरके के साथ लड़ाई की थी, लेकिन अब उन्हें रणबीर कपूर के साथ हो रही आलिया भट्ट की शादी का न्योता भी नहीं मिला है। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा, एक बार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आलिया भट्ट के लिए मुझसे लड़ाई की थी, अब आलिया ने उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया। औकात पता चल गई ना बेटा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा की धजिया उड़ाने के बाद केआरके अपने दूसरे ट्वीट में इनडायरेक्ट तरीके से सलमान खान पर निशाना साधा है। केआरके ने दूसरे ट्वीट में लिखा, रणबीर और आलिया ये बहुत गलत बात है कि आप अपनी शादी में बुड्ढों को नहीं बुला रही हो। अरे उसकी खुद की शादी तो होती नहीं, बेचारे को देख तो लेने देते। सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट रिलेशनशिप में थे, हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट पर प्यार में पड़ने के बाद आलिया भट्ट ने कथित तौर पर सिद्धार्थ को काफी समय तक डेट किया था। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया और 2017 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम कियारा आडवाणी के साथ जोड़ा गया, जबकि आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर को डेट करना शुरू कर दिया। फिलहाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।